गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे बड़े मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है। यह अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह इतना विशाल है जिसमें पूरा चीन या फिर अमेरिका दोनों में से कोई एक देश आ सकता है। इसकी जो सीमा है वो 11 देशों के साथ लगती है। एनसीईआरटी के अनुसार इसका जो क्षेत्रफल है, एरिया है, टोटल एरिया वो है 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। वो जो 11 देश जिसके साथ इसका भाग फैला हुआ है, इसकी बॉर्डर टच करती है, वो हैं अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, माली, मोरिटियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया और पश्चिमी सहारा। बात करते हैं इसके वातावरण की, यानी कि क्लाइमेट की। वैसे तो बहुत गर्म, बहुत ही ज़्यादा गर्म इलाका है ये। बादल बिल्कुल नहीं होते हैं, बारिश का समय बहुत ही थोड़ा सा होता है। लेकिन इसका जो आम दिनों का, यानी कि प्रतिदिन नॉर्मल जो टेम्परेचर रहता है वो 50 डिग्री के करीब रहता है। लेकिन एक दिन लीबिया एक देश है, वहाँ पे अल जजिया नाम की एक जगह है, वहाँ पर टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया था। एक दिन हाईएस्ट टेम्परेचर 1922 में ये रिकॉर्ड किया गया था, जो कि था 57.7 डिग्री सेल्सियस। ये सबसे गर्म दिन वहाँ पे मापा गया था। हालांकि इतनी ज़्यादा गर्मी होने के बाद में भी रात के समय में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती है कि टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। है ना इंटरेस्टिंग। इसके बाद बात करते हैं वहाँ पे लोग कैसे हैं, पॉपुलेशन कितनी है। तो 25 लाख के करीब द सहारा डेजर्ट जो है उसकी पॉपुलेशन है। कबीलों में नोमैडिक ट्राइब्स जिनको हम कहते हैं, उन एरियाज़ में लोग वहाँ पे रहते हैं और ऐसे कपड़े पहनते हैं जिनसे वो बच सकें किससे, जो धूल भरी आंधियाँ चलती हैं, ठीक है, जो भी तूफान आते हैं, तो वो इस तरीके से कपड़े पहनते हैं ताकि वो गर्म हवाओं से और उस धूल से खुद को बचा सकें। वैसे तो सहारा मरुस्थल में केवल रेत ही रेत, दूर दूर तक केवल रेत ही रेत नज़र आता है। लेकिन इसके साथ साथ वहाँ पे कुछ पेड़ पौधे भी पाए जाते हैं, बहुत ही खुले खुले। बहुत दूर दूर में कोई एक पेड़ पौधा आपको नज़र आएगा, बिखरे हुए हैं। और जो घास है, जो छोटे छोटे श्रब्स जिनको हम कहते हैं, छोटी छोटी झाड़ियाँ जिनको हम बोलते हैं, वो भी मिलती हैं। और पेड़ भी मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े, वो हाईलैंड्स जहाँ पे ज़मीन ऊंची होती है वहाँ पे वो मिलते हैं। तो इस तरीके की वहाँ पे कुछ वनस्पति है। बात करें जीव जंतुओं की, तो वहाँ पे कोबराज, क्रोकोडाइल, शेर, ऑस्ट्रिच, गैब्रिल, शीप जो हैं, गजेल, डियर, बबून, हाइनाज, फॉक्सेस और मंगूज, नेवले जिनको हम बोलते हैं, ऐसे कई सारे जीव जंतु वहाँ पे पाए जाते हैं। और यहाँ पे 300 से ज़्यादा जो प्रजातियाँ हैं जीव जंतुओं की वो पाई जाती हैं। इतना विशाल रेत का एक रेगिस्तान जहाँ पर 1 किलोमीटर में रेयरली एक आदमी रहता हो, ऐसी जगहों पर कुछ इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी यहाँ पे नेचर ने प्रोवाइड की हैं वो चीज़ें, आयरन ओर, कॉपर ओर, ऑयल, कोल यानी कि कोयला और नेचुरल गैस, इनके काफ़ी जो भंडार हैं वो यहाँ पे पाए जाते हैं। और अंत में हम बात करते हैं यहाँ के सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की, जो कि हाईएस्ट एक पॉइंट है दी सहारा डेजर्ट का, वो है माउंट कौसी, जो कि एक कंट्री है वहाँ पे, चाड, वहाँ पे ये पाया गया है। और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट है वो है कतरा डिप्रेशंस, जो कि मिस्र यानी कि इजिप्ट देश में पाया जाता है। अंत में जाते जाते मैं आपसे ये बताऊंगा कि आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि एक समय था जब सहारा, जिसको आज हम रेगिस्तान मरुस्थल बोलते हैं, जो वहाँ पे सबूत मिलते हैं, एविडेंस मिलते हैं गुफाओं में, जो पेंटिंग्स हैं सहारा डेजर्ट्स में, वो हमें दिखाती हैं कि किसी एक समय में सहारा डेजर्ट इतना मखमली घास, ग्रीनरी प्लेन हुआ करता था। इतनी ज़्यादा वेजिटेशन यहाँ पे होती थी, इतनी ज़्यादा पेड़ पौधे, पानी, सब कुछ यहाँ पे होता था। लेकिन क्लाइमेट जैसे ये बदला,
वैसे ही ये एक गर्म और एक सूखे इलाके में तब्दील हो गया। समय कुछ भी कर सकता है, समय बहुत बलवान है।